हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताऊंगा TCL एयर कंडीशन के वो मॉडल जिसमें वाईफाई का फीचर है उसको TCL होम ऐप से किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल में एक ऐप होती है TCL की होम ऐप, और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वेरी सिंपल से हैं। जिन दोस्तों ने एयर कंडीशन न्यू लिए हैं उनको इस साथ वाउचर मिला होगा, इसमें भी डिटेल से सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। इतना सिंपल है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अक्सर मुझसे दोस्त कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलें, टाइम वेस्ट के बगैर हम इसको जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर में जाएं और यहाँ पे लिखें TCL होम। आपको एक TCL की ऐप मिलेगी और इसको आप सबसे पहले इंस्टॉल करें। ऐप को ओपन करने पे आपको जो मेन स्क्रीन नज़र आएगी वो है लॉगिन की स्क्रीन। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका अकाउंट है तो आप एक काम करें कि जीमेल के थ्रू लॉगिन कर लें, तो ये सबसे इजी वे होगा। मैंने जीमेल के थ्रू देखिए लॉगिन कर रहा हूँ एक आईडी के थ्रू, और ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट स्क्रीन पर चला जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी, आपने एग्री पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन कंफर्म कुछ डेमो सिखा रहा है आपको, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एंड डन। उसके बाद ऐड डिवाइस पे क्लिक करें आप, ठीक है। इसको आप कर लें अलाउ, या सबसे पहले आपको कह रहा है कि अपनी लोकेशन को इनेबल करें, तो आप यहाँ से भी अपना GPS इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर लें तो भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। फिर बैक करें, उसके बाद ये कह रहा है प्लीज़ टर्न ऑन योर ब्लूटूथ सेटअप करके अलाउ कर दें। उसके बाद आप देखें ये ऊपर आएगा सर्च फॉर नियर बाय डिवाइस। आपने यहाँ वेट नहीं करना, आपने बेसिकली स्प्लिट AC पे क्लिक करना है, और ये देखें दो स्टेप्स आ रहे हैं। सबसे पहले अपने डिवाइस, अपने एयर कंडीशन को जिसमें वाईफाई इनेबल्ड फीचर है उसको कूल मोड में पावर ऑन करें। स्टेप टू में रिमोट पकड़ें, आप डिस्प्ले या इको का बटन उस पर नज़र आएगा, उसको 6 टाइम इक्वल इंटरवल से प्रेस करें। और आप जब 6 टाइम प्रेस कर चुके होंगे आपको एक आखिर में डबल बीप की आवाज़ आएगी। और स्टेप थ्री में जाएं, आपको देखें डबल बीप के बाद आपको स्क्रीन पे यहाँ पे CF नज़र आएगा। ये स्टेप्स आपने करने हैं, जब ये स्टेप कर चुके होंगे तो आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। देखें आपको ये कह रहा है आर यू श्योर यू हैव फॉलोड द स्टेप्स। तो यहाँ पे आपने ये तब करना है जब आप अपने रिमोट से ये फंक्शन कर चुके होंगे, ऑल स्टेप्स कर चुके होंगे। तो आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि रिमोट से कैसे ये फंक्शन या CF का फंक्शन इनेबल करना है, और फिर मैं आके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ओके, तो अब हम एयर कंडीशन को ऑन करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एयर कंडीशन ऑन हो गया है TCL का। मेरे पास जो मॉडल है वो TCL का T3 Pro है, 2021 में ये आया था, और ये वाईफाई इनेबल्ड मॉडल है। कहा कि कूल मोड ऑन करें, बेसिकली देखें कूल मोड ऑलरेडी है, ये कूल मोड होता है। इसके बाद जो चीज़ फॉलो करनी है वो इको का बटन है, ये इसको 6 टाइम प्रेस करना है AC की तरफ करके, 1 2 3 4 5 6। स्क्रीन पे देखें अभी CF आएगा, ये देखें CF ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ओके जी, CF पे क्लिक कर दिया। अब मुझे देखें यहाँ पे अपने घर का ये वाईफाई नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे जो वाईफाई के सिग्नल है वो राउटर जिससे आपका मोबाइल कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू, वही नेटवर्क आपने चूज़ करना है। मेरे जैसे कि होम है इसको मैंने चूज़ किया। पासवर्ड अब यहाँ पे टाइप करेंगे अपना, ओके मैंने पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर। ओके जी, अब देखें ये कनेक्टिंग विद डिवाइस हो रहा है, कनेक्टिंग 90% कनेक्टिंग। ये बेसिकली अपने सर्वर से इस AC को लिंक अप कर रहा है थ्रू योर डिवाइस, तो इसके 100% होते ही ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा फाइनल। ओके, देखें कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू कैन कंट्रोल योर डिवाइस फ्रॉम योर मोबाइल। सो
कंप्लीट हो गया आपका सारा स्टेप। आप चाहें तो इस डिवाइस का नाम अपने एसी का चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह सकता हूँ लिविंग रूम एसी, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी का। एनीवे डिफ़ॉल्ट नेम रखते हैं, रिमोट पे क्लिक करते हैं। सो ये देखें अपनी हम फंक्शनैलिटी तमाम देख सकते हैं अपनी ऐप में। इको बटन यहाँ से देखें डिसेबल करेंगे, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, आप डिफरेंट मोड देख रहे हैं, विंड स्पीड आपको मिल सकती हैं। इसी तरह आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आपको वेक्टर एयर सप्लाई जो कि बड़ा यूज़फुल फीचर है, वन टच पे आप अपनी एयर का मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें टाइमर है, रिजर्वेशन है और सबसे मेन फीचर इलेक्ट्रिसिटी स्टेट है। बेसिकली इसके जो फीचर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बताता है वो यहाँ पे आपको मिलता है। जैसा कि देखिए मैंने ये लास्ट जो 18 अप्रैल को यूज़ किया तो ये है। खैर इसकी आपको मैं एक अलग ऐप वीडियो बना के डिटेल बताऊँगा कंजप्शन के हवाले से, लेकिन जस्ट अभी इस वीडियो में आपको मेरा मकसद था कि एक मोटा मोटा बताऊँ कि ये ऐप कैसे काम करती है, ठीक है। एंड देखें अब ये कम्युनिकेशन प्रॉपर कर रहा है इस ऐप के साथ। आप चाहें तो इस एसी को अब आप ऑफ़ कर सकते हैं। अब आप अपना बेशक जीपीएस और ब्लूटूथ ऑफ भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी। देखें यहाँ से अपने एयर कंडीशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आपको इस रिमोट की खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर कर लिया है और ये बड़ी कन्वीनियंट है। मैं जब से ऐप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही कम रिमोट यूज़ करता हूँ, बल्कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऐप इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। तो एक और प्लस पॉइंट है कि आपने जो फर्स्ट टाइम GPS और ब्लूटूथ इनेबल किया था कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये आपको बार बार ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट वन टाइम आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी इस चीज़ की। आपका एक और फीचर यह है कि आप रिमोटली भी अपने मोबाइल से अपने एयर कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके घर में एयर कंडीशन जो है वो प्लग इन होना चाहिए, स्टैंड बाय होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपका जो वाईफाई का राउटर है वो ऑन होना चाहिए। आप अपने मोबाइल के इवन मोबाइल डाटा को जस्ट यूज़ करके भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट बहुत हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ऑफिस से आ रहे हैं, घर में कोई नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका रूम ठंडा हुआ पड़ा हो आपके आने से पहले, तो आप अपने गाड़ी में बैठ के आधा घंटे पहले अपने एयर कंडीशन को रिमोटली पावर ऑन कर सकते हैं। और इसका एक और भी है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर से चले गए हैं और आप चाहते हैं कि मैंने एयर कंडीशन ऑफ करना भूल गए हैं, तो आप अपने ऐप से दोबारा इसको ऑफ कर सकते हैं। सिंपल इज दैट। तो फायदे बहुत हैं इस चीज़ के। सो होप सो आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दें, और कोई भी क्वेश्चन इस हवाले से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पहुंच सकते हैं।